असलम स्टूडेंट्स आई माई शस्ती एंड टूडे वी विल डिस्कस आइसोटोप्स एंड रेलिटिव अबंडस ऑफ आइसोटोप्स वट आर आइसोटोप्स आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम एटोमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर ठीक है आइसोटोप्स जो है वो सेम एलिमेंट के ही आइटम्स होते हैं जिनका मैस नंबर डिफरेंट होता है बट अटोमिक नंबर सेम होता है ठीक है जैसे कि अगर मैं ये कहूँ ऑक्सीजन एट ऑक्सीजन एट एंड ऑक्सीजन एट अब इस ऑक्सीजन का मैस नंबर है सिक्सटीन इसका है सेवनटीन और इसका है एटीन तो क्या ये सब ऑक्सीजन आइटम्स ही हैं तो यस yes, ये सब ऑक्सीजन आइटम्स ही हैं और ये सेम एलिमेंट ही से बिलोंग करते हैं ये सब के सब ऑक्सीजन एलिमेंट ही से बिलोंग करते हैं ठीक है ये सब के सब ऑक्सीजन एलिमेंट ही से बिलोंग करते हैं सही है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सपोज के एक्स यूज़ करते हैं ठीक है एटॉमिक नंबर जो है इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है और मैथ नंबर को ए से ठीक है तो जो नीचे लिखा होता है एटम की यहाँ बेस पे ये इसका एटॉमिक नंबर होता है और जो ऊपर लिखा होता है ये इसका मैथ्स नंबर होता है ठीक है मैथ नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक हो गया अच्छा जी अब सपोज़ के ये मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है ठीक है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है एट ये मैं ओ एट सिक्सटीन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो ऑक्सीजन का क्योंकि एटॉमिक नंबर एट है तो इट्स मीन कि इसके सेंटर में यानी इसके न्यूक्लियस में एट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ठीक है न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स तो इट्स मीन इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी एट ही हैं क्योंकि ऊपर हमने इसका मैस नंबर क्या लिखे सिक्सटीन ठीक हो गया और जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम के अंदर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं ठीक है जितने प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर उतने ही उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एट प्रोटॉन्स हैं तो इट्स मीन इलेक्ट्रॉन्स भी एट ही हैं ठीक है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जब अंदर वाले शेल में और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स जो इसके आउटर शेल में ठीक है टोटल एट इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन आइटम के अंदर सही है तो ये सिक्सटीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके मैथ नंबर को दैट इज़ ए और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एटॉमिक नंबर को ठीक है मैथ नंबर जो है ये किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं मैथ नंबर कहते हैं और जी क्या होता है प्रोटॉन नंबर एक और बात आपने याद रखनी है कि जब भी मैं मैथ नंबर की बात करूंगी तो इट्स जस्ट अ नंबर हैविंग नो यूनिट्स ठीक है बट जब मैं एटॉमिक मैथ की बात करूंगी तो इट हैव यूनिट्स ए एम यू मैथ यूनिट ठीक है एटॉमिक मैथ के यूनिट्स होते हैं ये इसका मैथ होता है बट जो एटॉमिक जब हम मैथ नंबर की बात करते हैं तो इट्स जस्ट अ नंबर हैवी नो यूनिट ना ही एटॉमिक नंबर का कोई यूनिट होता है और ना ही मैथ नंबर का कोई यूनिट होता है ठीक है अब मैथ नंबर को हम किस तरह से निकालते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स सही है अब अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो कर दूँ नाइन सही है तो प्रोटॉन तो अभी भी एट ही है ना तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए नाइन तो इस तरह से इसका मैथ नंबर जो अब ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा वो एट सेवेंटीन हो जाएगा ना इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नाइन की बजाय न्यूट्रॉन्स टेन कर दूँ सही है प्रोटॉन अभी भी एटी है इट्स मीन इसका एटॉमिक नंबर अभी भी एटी है बट इसके बाहर जो है इसके जो मैस नंबर है वो कितना हो गया एटीन तो क्या ये सेवनटीन और एटीन ओ एटीन एंड ओ सेवनटीन भी ऑक्सीजन के आइटम्स हैं या नहीं जी तो ये भी ऑक्सीजन एलिमेंट ही के एटम्स हैं सही है और ओ एट सिक्सटीन ओ सेवेंटीन एंड ओ एटीन हम इन तीनों को क्या कहते हैं आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है ये तीनों आइसोटोप्स हैं ठीक है तीनों ही क्या हैं आइसोटोप्स हैं सही है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है बट इनके मैस नंबर डिफरेंट है क्योंकि हम किसी भी एटम को उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे ही डिफाइन करते हैं हम उसके मैस नंबर की बेस पे डिफाइन नहीं करते मैस नंबर वेरी कर सकते हैं बट एटॉमिक नंबर जब किसी भी एलिमेंट का हमेशा सेम रहता है ठीक हो गया एग्जाम में ना अक्सर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है ओ सेवनटीन ही दे दिया है ठीक है और कहा जाता है कि बताएं इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं ठीक है अब प्रोटॉन तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि उसका जो एटॉमिक नंबर है वो असल में उसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ही हैं ठीक है और अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि बताएं इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सही अच्छा अब जब आपको ये ओ एट सेवेंटी नज़र आ रहा है ना तो आपने यहाँ से बता देना है कि ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका मैस नंबर और मैस नंबर किसके इक्वल होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होते हैं प्रोटॉन का नंबर ठीक है तो प्रोटॉन क्योंकि एट है सही है तो इट्स मीन उसके इलेक्ट्रॉन भी एट है क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम होता है सही तो यहाँ से मैं पता चल गया कि अगर उसके अंदर प्रोटॉन एट हैं तो इट्स मीन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एट हैं सही है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो है वो किसके इक्वल होते हैं अगर मैं ए में से जी माइनस कर देती हूँ ए माइनस जी इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ठीक है तो यहाँ पे ए जो है वो इसका क्या है सेवनटीन और जी क्या है एट माइनस तो कर दूँगी तो ये इसके नाइन आ जाएंगे नंबर uh, ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ठीक है तो जब भी आपसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा जाए तो आपने ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली को माइनस कर देना सिंपल ठीक है अब इसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम तो ये भी हाइड्रोजन के क्या हैं तीनों आइसोटोप्स हैं बट हाइड्रोजन को हम डिफाइन किसकी बेस पे करते हैं उसके एटॉमिक नंबर की बेस पे ठीक है और क्योंकि प्रोटियम जो है ये अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं तो इस वजह से हम जब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो असल में हम प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ ही पढ़ रहे होते हैं ठीक हो गया अच्छा जी तो ये जो आइसोटोप का कंसेप्ट है ना ये सबसे पहले हमें दिया था सोटे ने किसने दिया था सोटे ने और इन्होंने डाल्टन एटॉमिक थेरी का जो कंसेप्ट था कि तमाम एटम्स किसी भी एलिमेंट के सेम होते हैं जबकि ऐसा नहीं है हमने देखा कि सेम नहीं होते इनके मैस नंबर डिफरेंट हो सकते हैं ठीक है इसी तरह से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन एंड कार्बन फोर्टीन के ठीक है तीनों के मैथ नंबर डिफरेंट हैं बट तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है हा नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आते ठीक है तो इनके भी देख लें आप इनके भी मैथ नंबर डिफरेंट है एटॉमिक नंबर सेम है तो अब ये सेम तो ना हुए ना ठीक है तीनों ही डिफरेंट है तो इस तरह से जो डाल्टन एटॉमिक थेरी का पॉस्टूलेट था वो गलत हो गया कि तमाम एटम्स सिमिलर होते हैं ठीक है और सोटे ने सबसे पहले हमें आइसोटॉप्स का कंसेप्ट दिया एक और बात आपने याद रखनी है कि के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना किसी भी एटम की ठीक है किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एसोसिएटेड होती हैं विद द एटॉमिक नंबर किसके साथ एसोसिएटेड होती हैं विद द एटॉमिक नंबर बट जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड होती हैं विद द मास नंबर ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो रिएक्ट किस तरह से करता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं वो कितने लूज़ कर रहे हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वैलेंसी क्या है ये सब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ठीक है और किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं उसके एटॉमिक नंबर पे ठीक है तो क्योंकि इन सब के एटॉमिक नंबर सेम है तो इट्स मीन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी ठीक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उनकी स्टेट क्या है उनका बॉइलिंग पॉइंट कितना है मेल्टिंग पॉइंट कितना है एक्सेट्रा ये उसकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर रिलेटेड टू द मैथ नंबर तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि बताएं सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं बिटवीन द आइसोटोप्स तो आइसोटोप्स में जो सिमिलरिटीज़ हैं यानी किस तरह से एक दूसरे से सिमिलर हैं एक तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं ठीक है किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं जैसे हमने ऑक्सीजन की एग्जाम्पल देखी कार्बन की देखी हाइड्रोजन की देखी ठीक है इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बिकॉज एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ठीक है इसके अलावा उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो हम एटॉमिक नंबर यूज़ करते हैं ठीक है इसके अलावा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं ठीक किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर रिसाइड करता है सही हो गया इसके अलावा ये पीरियोडिक टेबल में सेम पोजिशन होकर पाई करते हैं ये थी इनकी सिमिलैरिटीज अब डिसिमिलैरिटीज़ क्या आएँ कि एक तो इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं असल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से ही इनका मैथ नंबर डिफरेंट होता है ठीक है तो एक और डेफिनेशन जो है आइसोटोप्स की वो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटोमिक नंबर ब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ठीक है इस तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इसके अलावा इनका मैस नंबर डिफरेंट होता है और इनकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं बिकॉज़ फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिटर्मिंड बाय द मैस नंबर ऑफ एन एटम ठीक है सही हो गया इसके अलावा इनकी रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी एसोसिएटेड होती हैं विद द न्यूक्लियस ठीक है न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होती हैं असल में ये क्या होती हैं न्यूक्लियर डिस होती हैं ठीक है न्यूक्लियर डिस ही को एक्टिविटी कहते हैं सही है तो क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं ही डिफरेंट हैं तो इट्स मीन इसकी एक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी ठीक है तो ये थी इनमें सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज इसके अलावा एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में why, uh, पूछा जाता है वाई द आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में तो उसको आपने अच्छे से लॉजिक के साथ आपने उसको बताना है कि बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर एसोसिएटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन सो देअर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम ठीक है इस वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं इसी तरह से आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाई द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटो आर डिफरेंट तो आपने बताना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड होती हैं विद द मैस नंबर तो क्योंकि मैस नंबर ही डिफरेंट है तो इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है ठीक है अच्छा जी अब जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के उनकी नंबर डिफरेंट होता है जैसा कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स थ्री होते हैं ठीक है कार्बन के भी थ्री आइसोटोप्स होते हैं ऑक्सीजन के भी थ्री आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन के देखें तो दो आइसोटोप्स होते हैं ठीक है इसी तरह से अगर हम टीन की बात करें तो टीन के इलेवन आइसोटोप्स होते हैं सही है तो डिफरेंट नंबर ऑफ आइसोटोप होता है इसके अलावा अगर हम प्लेडियम का देखें तो प्लेडियम के जो है सिक्स आइसोटोप्स होते हैं कैडमियम के नाइन आइसोटोप्स होते हैं सही हो गया इसके अलावा कैल्शियम के भी सिक्स आइसोटोप्स होते हैं और जो है निकल इसके फाइव आइसोटोप्स होते हैं सही है तो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के हाइड्रोजन के थ्री हैं कार्बन के थ्री हैं ऑक्सीजन के थ्री हैं क्लोरीन के टू हैं कैडमियम के नाइन कैल्शियम के सिक्स निकल के फाइव सही है तो जिसका इसके अलावा कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनके आइसोटोप्स एक ही जिनका एक ही आइसोटोप होता है ठीक है मोनो आइसोटोपिक होते हैं और उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मोनो आइसोटोपिक हैं उनमें हैं आर्सेनिक ठीक है सेनिक है इसके अलावा फ्लोरीन है और आयोडीन है गोल्ड है आरम भी इसको कहते हैं ठीक है इनके जो है वो एक ही आइसोटोप होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं मोनो आइसोटोपिक स्पीशीज़ क्या कहते हैं मोनो आइसोटोपिक स्पीशीज़ ठीक है जिनका एक ही आइसोटोप होते हैं हम उनको मोनो आइसोटोपिक स्पेशियस कहते हैं जबकि अगर दो आइसोटोप्स होंगे जैसे कि क्लोरीन कह तो इसको डाई आइसोटोपिक तीन है तो इनको ट्राई आइसोटोपिक ठीक है इलेवन है तो इनको अनडेक आइसोटोपिक सही है सिक्स है तो हेक्सा आइसोटोपिक और नाइन है तो नैनो आइसोटोपिक सही और ये भी सिक्स है और अगर फाइव हैं तो पेंटा आइसोटोपिक सही तो इस तरह से भी आपको अगर एम में या किसी तरह से भी पूछा जाए तो आपको इनके नाम भी आने चाहिए सही हो गया तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ठीक है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स अब अगर सपोज़ uh, कि ये एक एलिमेंट है मेरे पास ठीक है इसके अंदर कार्बन के आइटम्स प्रेजेंट हैं इनमें से कुछ कार्बन जो है वो ट्वेल्व है सिर्फ मैं इनके मैथ नंबर्स लिख रही हूँ कुछ जो है वो थर्टीन है कुछ फोटीन है ठीक है ज़्यादातर इसके अंदर ट्वेल्व प्रेजेंट है कहीं कहीं इसके अंदर थर्टीन प्रेजेंट है कहीं कहीं फ़ोर्टीन प्रेजेंट है सही तो अब रिलेटिव अबंडेंस का क्या मतलब है कि इस एलिमेंट के अंदर कार्बन ट्वेल्व की परसेंटेज कितनी है कार्बन थर्टीन की कितनी है और कार्बन फोर्टीन की कितनी है यानी कि जितने भी आइसोटोप हैं उस एलिमेंट के वो किस किस परसेंटेज में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स जैसा कि अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन ट्वेल्व जो है ये अपनडेंटली एग्जिस्ट करता है ठीक है ये अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं जबकि जो थर्टीन और फोर्टीन है ये बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं इसके अलावा अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन सिक्सटीन जो है ये ज़्यादा एग्जिस्ट करता है ठीक है ये अबनडेंटली एग्जिस्ट करता है सिमिलरली अगर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स हैं बट इनमें से प्रोटीन जो है ये अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है ठीक है तो ये हम इसको हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ठीक हो गया अच्छा जी आइसोटोप्स को ना मैं दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकती हूँ ठीक है आइसोटोप्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं नेचुरली एक्कर आइसोटोप्स नेचुरल आइसोटोप्स एंड आर्टिफिशियल आइसोटोप्स क्लियर अच्छा जी जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं ना ये नेचुरली प्रेजेंट है जबकि जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं इनको लेबॉट्री में प्रिपेयर किया गया है लेबॉट्री में इनको तैयार किया गया है ठीक है थ्रू द न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन जो नेचुरली अखरिंग आइसोटोप्स हैं ना ये हैं तकरीबन टू एटी आइसोटोप्स जबकि जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो थ्री हंड्रेड है बट वैसे तो ये वन थाउजेंड से क्रॉस कर गए ठीक है आर्टिफिशियल आइसोटोप्स और अभी भी इनके प्रिपरेशन जारी है इन टू एटी आइसोटोप्स में से फोर्टी आइसोटोप्स जो हैं ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं ठीक है फोर्टी आर रेडियो एक्टिव जबकि जो बाकी है, 240, isotopes, है? 240 हैं टू फोर्टी दीज आर द स्टेबल आइसोटोप्स ठीक है टू फोर्टी स्टेबल आइसोटोप्स हैं जबकि फोर्टी जो हैं वो रेडियो एक्टिव है जबकि जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं ये सारे के सारे ही रेडियो एक्टिव है ठीक ये सब आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं अब आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं जिनसे पता चले कि कौन कौन से आइसोटॉप्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं और अबंटेंटली एक्जिस्ट करते हैं ठीक है तो एलिमेंट्स विथ ओड एटॉमिक नंबर जी रिप्रेजेंट्स एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट्स विद ओड एटॉमिक नंबर नेवर प्रोसेस मोर देन टू स्टेबल आइसोटोप्स ठीक है यानी जिनके ओड एटॉमिक नंबर होते हैं उनके स्टेबल uh, आइसोटोप्स दो से ज़्यादा नहीं हो सकते सही है जैसा कि अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज सेवेंटीन तो हमें पता है कि इसके दो ही स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं ठीक है क्लोरीन के दो ही स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं क्लोरीन थर्टी फाइव एंड क्लोरीन थर्टी सेवन एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वन यानी कि ओड एटॉमिक नंबर है बट इसके आइसोटोप्स जो हैं वो थ्री होते हैं हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन टू एंड हाइड्रोजन थ्री प्रोटीम टूटीम ट्रीटियम बट तो फिर ऐसे कैसे हुआ हमने तो कहा कि एलिमेंट्स विथ ओट एटोमिकंबर नेबर प्रोसेस मोर देन टू स्टेबल आइसोटोप्स जी थ्री आइसोटोप्स तो हैं बट ये ट्रीटियम जो है इट्स नॉट आ स्टेबल आइसोटोप ठीक है हाइड्रोजन के जस्ट टू ही स्टेबल आइसोटोप्स हैं सही हो गया अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है एलिमेंट्स विथ ईवन एटोमिक नंबर हैव लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोब्स ठीक है जिनका इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके आइसोटोप्स ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं सही है इसके अलावा थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि आइसोटोप्स हैविंग मैस नंबर मल्टीपल ऑफ फोर यानी ऐसे आइसोटोप्स जिनका मैस नंबर फोर का मल्टीपल होगा वो अपनडेंटली एग्जिस्ट करते हैं सही है तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास ऑक्सीजन मैग्नीशियम सिलिकॉन कैल्शियम एंड आयरन ठीक है ऑक्सीजन का मैस नंबर है सिक्सटीन मैग्नीशियम ट्वेंटी फोर सिलीकॉन ट्वेंटी एट कैल्शियम फोर्टी एंड आयरन फिफ्टी सिक्स सही है अब अगर मैं इनको देखूं तो इन सब के जो मैस नंबर हैं दीज आर मल्टीपल ऑफ फोर मल्टीपल ऑफ फोर का मतलब क्या है कि ये फोर के टेबल में आते हैं इनके मैस नंबर फोर के टेबल में आते हैं यहाँ कह लें कि फोर से डिवाइड हो सकते हैं सही है सिक्सटीन भी फोर पे डिवाइड हो सकता है ट्वेंटी फोर बी ट्वेंटी एट बी फोर्टी एंड फिफ्टी सिक्स भी तो ये क्या है मल्टीपल ऑफ फोर और ये अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं ठीक है और रिसर्च के मुताबिक अबाउट फिफ्टी परसेंट ऑफ क्रस्ट जो है वो इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना होता है ठीक है अर्थ क्रस्ट किसे कहते हैं ये देखें सपोज कि ये अर्थ है ठीक है अर्थ क्रस्ट कहते हैं ज़मीन के ऊपर वाली तय को ठीक है ज़मीन के छिलका कह लें तो ये ज़मीन के अंदर तकरीबन थर्टी फाइव किलोमीटर जो है ना इसकी गहराई होती है इतनी इसकी यानी मोटाई होती है थर्टी फाइव किलोमीटर तक अर्थ क्रस्ट जिसे कहते हैं यानी ज़मीन के ऊपर वाली तय सही है तो इसी तय के अंदर हमारे ज़्यादातर मिनरल्स और ओर्स वगैरह जो हैं प्रेजेंट होती हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर ही तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जिनका मैज नंबर मल्टीपल ऑफ फोर है ये इस अर्थ क्रस्ट का अबाउट फिफ्टी परसेंट बनाते हैं ठीक है इतनी ज़्यादा अबंडेंटली ये एग्जिस्ट करते हैं अच्छा अब इन एलिमेंट्स को याद रखने के लिए ना आप नेमोनिक कोई भी यूज़ कर लें तो जैसे कि ओ मैगज़ीन ठीक है ओ मैगज़ीन सी काफ़ी ओ मैगज़ीन सी काफ़ी या फिर कुछ और जो भी आपको ईजी लगता है इसको बना के इसको याद कर लें सही है इन एलिमेंट्स को ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं एम में भी और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इसके अलावा जो 154 फिफ्टी आइसोटोप्स हैं ठीक है जो नेचर में वैसे कितने एग्जिस्ट करते हैं 280 एटी आइसोटोप्स हमने कहा कि टू एटी नेचुरली एक्रिंग आइसोटोप्स हैं जिनमें से फोर्टी तो रेडियो एक्टिव हैं टू फोर्टी स्टेबल आइसोटोप्स हैं तो इन टू फोर्टी में से भी जो वन फिफ्टी फोर आइसोटोप्स हैं उनका इवन एटॉमिक नंबर एंड इवन मैस नंबर है यानी कि वन फिफ्टी फोर एलिमेंट्स हैं वो अपनडेंटली एग्जिस्ट करते हैं ठीक हो गया तो ये था हमारा आज का लेक्चर आइसोटोप्स एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्लियर थैंक यू